फोर्टी राजस्थान के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन संवाद चल रहा है और इस दौरान कोविड 19 पर संवाद किया जा रहा है। डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर मेधावी गौतम का संवाद चल रहा है, लोगों के सवाल और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के जवाब चल रहे हैं। No one has used COVID vaccines before, so there is a tons of experience with typhoid, diphtheria, mumps, measles, rubella because करोड़ों बच्चों को सालों से दिया जा रहा है। But इस वैक्सीन का clinical experience first time है, अतः we are learning every day. So vaccination और booster dose के gap ये सारा depends करता है antibody titers का। So lot of studies are going on. They do the antibody titer on first week, second week, fifth week, tenth week. 2 months, 3 months, and depending upon the profile of the antibody titer, जब देखते हैं कि अब कब गिरने वाला है, accordingly booster doses planned. So, truly speaking, देखा जाए, तो हम सभी COVID-related vaccination और treatment protocol में हम experimental और research stage पे हैं, अतः scientifically अगर कोई भी suggestion आता है, तो on the evidence we should adopt it. और इसका supply और manufacturing से कोई मैं link नहीं समझता. ये एक साइंटिफिक एडवाइस है और उसको वो पेशेंट बेनिफिट के लिए होती है। थैंक यू वेरी मच सर, ये ढेर सारी जानकारी हमें देने के लिए। इसके साथ में मैं सभी दर्शकों को के साथ साझा भी करना चाहूंगा कि 40 द्वारा जन सेवार्थ चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में। 40 द्वारा अभी वर्तमान समय में 3 से अधिक एम्बुलेंस फ्री चलाई जा रही है, 50 से अधिक कंसेंट्रेटर लोगों की मदद के लिए दिए जा रहे हैं। साथ में कल ही 40 द्वारा जयपुर में जनउपयोगी भवन राजा। आई अगेन रिपीट, वैक्सीन आपको क्रिटिकल डिजीज, वेंटिलेटर और डेथ से प्रोटेक्ट करता है। वैक्सीन लगने के बावजूद भी आप में कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, बट वो बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड होगा। सो व्हाट ए बिग प्रोटेक्शन वैक्सीन गिव्स यू, ए काइंड ऑफ गारंटी अगेंस्ट डेथ एंड वेंटिलेटर यूजेस। इट विल नॉट लेट द क्रिटिकल डिजीज हैपन, बट वैक्सीन के बावजूद भी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 100 डॉक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड इन स्पाइट ऑफ 2 डोज ऑफ वैक्सीन। डॉक्टर्स को एज ए हेल्थ वॉरियर सबसे पहले वैक्सीन लगा था। मोर देन 100 डॉक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड फॉर कोविड पॉजिटिव आफ्टर 2 डोज ऑफ वैक्सीन। बट गुड पार्ट इज दैट या तो उनमें कोई लक्षण नहीं थे और थे भी तो एसिम्प्टोमेटिक थे और किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई, किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, किसी का ऑक्सीजन फॉल नहीं हुआ। सो दिस इज द बिग एडवांटेज नंबर वन। नंबर टू, वैक्सीन होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, बट वो इतना माइल्ड होगा कि आप होम क्वारंटाइन घर पे भी रह के अपने आप को प्रोटेक्ट करके आप इससे ट्रीट कर सकते हैं, तो किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। अब क्वेश्चन आता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या चीज है? म्यूटेशन जब कोई व्यक्ति अपना करेक्टर बदल देता है। आई गिव एन एग्जाम्पल, आपका बेस्ट इज आप बहरूपिया को लीजिए। आज जो व्यक्ति बहरूपिया एक करेक्टर होता है, आज वो किसी एक ड्रेस में होता है, कल वो किसी दूसरे ड्रेस में होता है, तीसरा वो किसी तीसरे ड्रेस में होता है, चौथा वो कभी पांचवी अलग ड्रेस में होता है, तो उसका एक्सटर्नल करेक्टर बदल जाता है, बट उसका ह्यूमन करेक्टर और ह्यूमन नेचर वही रहता है। तो कोविड जितना अधिक फैलता है, उसका जैसे जैसे एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे में अरबों, लाखों, करोड़ों लोगों में फैलता है, तो वो अपना करेक्टर बदल देता है, जिसको म्यूटेंट करेक्टर बोलते हैं और म्यूटेशन बोलते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इस वेव के अंदर कोविड 19 में अभी तक 700 म्यूटेशन हो चुके हैं। आपने सुना भी नहीं होगा, आप तो सिर्फ म्यूटेशन 1, 2, 3 का सुनते हैं।